जो भी चाहिए Z5 ऐप पर। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि सास और बहू में छिड़ चुकी है जंग। अब ऐसा क्या करेगी दुर्गा जिसके कारण गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा अपना ससुराल। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है सही मायनों में इंडिया की यंगेस्ट सास। अब क्या नया मोड़ लेने वाली है गुड्डन और अक्षत की ये अनोखी कहानी। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन ने छोड़ा था अपना ससुराल, पर अब आ गई है वो वापस अक्षत को बेगुनाह साबित करने। अब अपने अनोखे अंदाज में कैसे बताएगी गुड्डन सबको कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन कर रही है जी तोड़ कोशिश अक्षत को बेगुनाह साबित करने की, जिसके लिए गुड्डन ने सोची है एक नई तरकीब। तो दूसरी तरफ पर्व बिछा रहा है एक नया जाल। क्या गुड्डन बच पाएगी पर्व के इस जाल से और बता पाएगी कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने सोची एक नई तरकीब नकाब के पीछे छिपे इंसान का सच सामने लाने की। अब क्या गुड्डन पर्व की असलियत का पता लगा पाएगी और क्या ले आएगी उसका सच सबके सामने। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि आ गई है वो घड़ी जिसका था गुड्डन को बेसब्री से इंतजार। शुरू हो चुकी है जिंदल परिवार में जश्न की शाम, जिसमें गुड्डन सामने लाएगी नकाब के पीछे छुपे इंसान का सच। क्या गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा या खड़ी होगी कोई नई रुकावट। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पर एक मिनट, ये डब्बा आपके पास कहाँ से है? ओ भगवान, अरे यही देने के लिए तो तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारे पास आ रही थी। ये ना खास तुम्हारी रेवती के लिए है। मैं क्या कहती हूँ पर, आज ये शादी का जोड़ा सबके सामने देकर ना सबको बता ही दो। शादी का जोड़ा? हाँ हाँ, आज ही कुरियर वालों ने डिलीवर किया है। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, ये भी जो डब्बा लाई है ये तो बिल्कुल उस मास्क वाले डिब्बे की तरह है। अब ये काम तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। इन दोनों बॉक्स तो आराम से अदला बदली करके सारे मास्क गायब कर सकता हूँ मैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ओ गुड्डन की सौतेली पर्व, आज AJ और गुड्डन का रिसेप्शन है। कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा भी ना तो वो AJ ऐसा तमाशा करेंगे, हमारे सारे के सारे प्लान्स चौपट हो जाएंगे। एक काम करो, ये डब्बा मुझे दो। अरे सासु मां, क्यों इतना टेंशन लेती हो? मैं सही वक्त आने पर रेवती को ये सामने से, इनफैक्ट सबके सामने दे दूंगा। पक्का? हाँ बाबा, दो तू दो। ठीक है, मैं जो ठीक लगे तुम करो। आज पहली बार इस बुढ़िया ने कोई ढंग का काम किया है। बस तुम देखती जाओ इन डिब्बों से मैं क्या खेल खेलता हूं।
दी, वो देखो कैसे देखो। अरे मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो, एकदम सही मौका है अपना काम करने का। एजे का मूड बहुत खराब है इस डांस की वजह से, सुन रही हो? हाँ सही बोल रही है। चल 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 चलिए सासू माँ, एजे और आपकी पहली मुलाकात की यादें ताजा करवा देते हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के कल के शनिवार के स्पेशल एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने कर दी फिर वही गलती, क्या होगा अक्षत का रवैया गुड्डन की इस हरकत पर, और क्या हो पाएंगी दादी की सोची हुई रस्में पूरी, क्या गुड्डन इन परेशानियों के बीच सच्चाई की तह तक पहुंचकर किडनैपर का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी, या आ खड़ी होगी एक नई रुकावट। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। रोमांचक शनिवार रात 10:30 बजे। साहिल और मेरी शादी हो चुकी है। प्यार लाएगा एक दूसरे को पास, या साहिल और वेदिका हो जाएंगे दूर। दिल की आवाज अब एक दिन एक्स्ट्रा। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउटहाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋतिक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। What? ये मंदिर के पट तो कई सालों से बंद है। इस मंदिर के पट अब खुलेंगे। ये सब कैसे होगो? शत चंडी यज्ञ करना होगा हमें। जिस यज्ञ का नाम ना ले सकूं मैं, अगर वो हो गया तो राणा सा की सारी इंद्री से कब्जा खो बैठूंगी मैं, उन्हें 100 दिन के हाथ खो बैठूंगी मैं। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउटहाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। वैसे आंटी को देख के लगता नहीं है कि आंटी सिगरेट विगरेट पीती होंगी। निर्दोष है अनुप्रिया, निर्दोष है वो। ये कंप्लेंट तुम्हें एक एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन ये कंप्लेंट किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है, उस बेचारी का पढ़ने लिखने का सपना तोड़ सकती है। अब जानती भी है कि माई का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। क्या हम माई की किडनी का सौदा करेंगे? शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे 1 घंटे का महा एपिसोड शादी के हवन कुंड में शान ने दी अपने प्यार की आहुति, मुहूर्त की घड़ी में मंडप है खाली, दुल्हन है लापता। आखिर ये पुचकी जो बिना बताए कहाँ जा सकती? अब कैसे होगी ये शादी? 1 घंटे का महा एपिसोड ये तेरी गलियां शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है,
उन दोनों की शादी नहीं हुई है।